hello everyone, welcome to rajnutra's IAS academy. my name is vivek sharma and we are covering important places which are in news. yesterday we started with africa and continuing with that only, we will be covering the southern part of africa. we have some important physical feature which we have to locate in this area. so let us start with that. if we talk about the southern tip of south africa, this area is known as drakenburg. ड्रेगनबर्ग के नॉर्थ में वी फाइंड अ रिवर फॉर्मिंग बॉर्डर बिटवीन नाबीबिया एंड साउथ अफ्रीका दैट इज योर ऑरेंज रिवर डेट इज ऑरेंज रिवर इस ऑरेंज रिवर के नॉर्थ में यू फाइंड अ डेजर्ट एरिया इन दिस नाबीबिया वाले पार्ट में जिसका नाम है नाबीब डेजर्ट कौन सा डेजर्ट नाबीब डेजर्ट इस डेजर्ट के ईस्ट में बॉस्टाना है बॉस्टाना में फाइंड अनदर डेजर्ट जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट दिस कालाहारीट में यू फाइंड अ ट्राइब नेम है जिम्बाबे एंड दिस एरिया यू फाइंड अनदर इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग इन दिस एरिया डेट इज योअर लिम पोपो रिवर कौन सी रिवर लिम्पोपो रिवर नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कांगो और जाम्बिया वाला पार्ट दिस एरिया इज नोन एज कटंगा प्लेट्यू कौन सा प्लेट्यू कटंगा प्लेट्यू इन दिस पर्टिकुलर प्लेट्यू वी फाइंड टू इंपॉर्टेंट रिवर वन इज फ्लोइंग फ्रॉम कटंगा प्लेट्यू टूवर्ड्स कांगो एंड रेन इन टू दिस अटलांटिक नाम क्या है रिवर का नाम है कॉन्गो एंड इस रिवर पे एक इंपॉर्टेंट फॉल मिलता है दैट इज योर व्योमा फॉल दैट यू हैव टू रिमेंबर इसी आपके कटंगा प्लेट्यू से अनदर रिवर फ्लोस इस जाम्बिया से होके इसका नाम है जाम्बेजी रिवर जाम्बेजी रिवर ऑन दिस जाम्बेजी रिवर वी फाइंड अ फेमस फॉल दैट इज योर विक्टोरिया विक्टोरिया फॉल Konsa Fall, Victoria Fall. So, mostly these are the important water bodies and desert located in this area. Now, let us talk about the two important mountains of this area. One is located in Cameroon, that is Mount Cameroon, and Ek Apki, the highest peak of Africa, located in Tanzania. You have to tell me the name, it starts from Kili. डैश जारो आई हैव गिवेन यू अंट आपको कमेंट बॉक्स में मैंशन करना है नाम वट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन इट स्टार्ट विद किली एंड एंड जारा और जारो सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस माउंटेन सो यहां पर हमने ये चीज पढ़ ली नाउ लेट स्टॉक अबाउट दिस एरिया अंगोला वाला और नाबीविया का नॉर्थ वाला पार्ट दिस एरिया is known as biplateau. Concept bi plateau biplateau. So these are the important things which you have to remember. We are left with the lakes of Africa and we will be covering that to in tomorrow session. So that's it for today. Let's give a quick revision to this video. Let's see this what we have covered. We have covered southernmost end that is drinkenberg. Drinkenberg

बॉट्सवाना में एंड नॉर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका में वी फाइंड कालाहारी डेजर्ट यहां पर फेमस बुश ट्राई मिलती है अंगोला और नाबीबिया वाले पार्ट में वी फाइंड बाई प्लेट्यू बाई प्लेट्यू के वेस्ट में वी फाइंड कटंगा प्लेट्यू दिस कटंगा प्लेट्यू से टू रिवर वन इज कॉन्गो रिवर ऑन विच बायोमा फॉल इज देर अदर इज जाम्बेजी रिवर जिसके ऊपर विक्टोरिया फॉल है नाओ वी फाइंड तंजानिया तंजानिया में वी फाइंड इंपॉर्टेंट माउंटेन जो इक्वेटर के आसपास है आपकी uh, बर्फ भी मिलती है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है यू कैन गूगल द नेम इट स्टार्ट विद किली एंड एंड विद मंजारो यू हैव टू मेंशन दैट नेम इन योर कमेंट सेक्शन नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी दिस पार्ट कैमरून में आपको एक माउंटेन मिलती है जिसका नाम है माउंट कैमरून एंड वी हैव कवर्ड अनदर रिवर ओवर है इन दिस बोटसवाना वाला एरिया एंड अफ्रीका वाला एरिया साउथ अफ्रीका वाला एरिया दैट इज योर लिम्पोपो रिवर That is your Limpopo River. So, these are the things which you have to remember about Africa. We will be covering about lakes because there are so many lakes in Africa, so confusion can be there. So, that's why we have decided that there will be a separate video for your lakes which are located in Africa. So, that's all for today. I hope you enjoyed the session. Thank you very much. Have a nice day.